चटनी दबा रहा है। कैसा लग रहा है? बोलते हैं। कैसा लगा? उठ जाओ, खाना खा लो भाई, खाना बन गया। खाना नहीं खाना? क्यों? चलो आओ, चलो खा लो। कब खाओगे? खाना नहीं खाओगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? उठ जाओ, उठ जाओ, जाओ, उठ जाओ। बाल गीले हो रहे तुम्हारे, गीले वाले में सो गए तो और तबीयत खराब होगी। इन्हें सुखा तो लेते। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कोई है? ये हमारे भाई दारा सिंह। शर्टलेस बॉडी दिखा दो एक बार आप। और जो मैंने दिया था उससे बात हुई? सो गाइस, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये भी एक फ्रेंड तो मेरा लीला में वर्क करता है और दूसरा भाई है, वो भी आया हुआ है इंटरव्यू देने। आप भी प्रे करो कि उसकी जल्दी से जॉब लग जाए। और हम तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर धूप में मेरी आंखें नहीं खुलती। सो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ फोर रैबिट के बारे में। सो जैसे कि आप जानते हैं कि IPL चल रहा है, तो फोर रैबिट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन बैट्स लगाकर ऑनलाइन गेम्स खेलकर एंड कैसीनो खेलकर जीत सकते हैं बहुत सारा पैसा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड इसके अंदर विड्रो का सिस्टम भी बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट पेटीएम के थ्रू इसके अंदर कैश विड्रो कर सकते हैं। 300 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 100% का बोनस, यानी कि आप 300 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको मिलेगा 300 रुपये का बोनस। तो फिर देर किस बात की, नीचे लिंक है, जाके जल्दी से रजिस्टर कर लो और 300 रुपये ऐड करके 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाओ। ये देखो क्या हल कर दिया इन्होंने। किधर है वो? रहे ये रहे। क्या हो रहा है? इसी झाड़ू से पिटाई होगी तुम्हारी क्या? इसी झाड़ू से पिटाई होगी तुम्हारी। आप मेरी बात कर रहे हो क्या? तुम्हारी कपड़े धो रहे बर्तन धो। आजकल पता है क्या हो रहा है? मतलब मेरे से ना वर्ड्स मिसप्लेस हो रहे हैं, देखा तुमने? अभी कैसे चार्ज किया? मैंने तो क्या करना है, इसको ठीक करा के लाना है क्या? ठीक है भाई, इसको भी ठीक करा के ला देंगे। अभी मैं आपका, तुम कितने गोरे लग रहे हो मेरे सामने। कब का रखा हुआ है इसने? देखो हाँ, देखो देखो, ये चीज़ आपके और मेरी एक जैसी है। देख लो ऐसे करके इसको, थोड़ा सा पिन को ठीक ठाक करके क्या कराओगे? अच्छा तो लगता है यार। आप रख लो इसे, अपना दे दो मुझे। बस ना, देखो इसकी डिस्प्ले भी टूट गई। डिस्प्ले नहीं है, ये टेम्पर्ड है। तो गाइस, प्रिया को ये लग रहा है कि मैं उसको मोबाइल ठीक कराने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। मैंने उसको 2-3 दिन पहले ही एक मोबाइल ऑर्डर कर दिया था और आज वो डिलीवर होने वाला है। तो अभी जैसे ही वो आएगा उसको मैं कॉल करूँगा, अभी पूछूँगा कितना टाइम लगेगा। और जैसे ही वो आने वाला होगा तो मैं प्रिया को बोलूँगा कि मैं तुम्हारा मोबाइल ठीक कराने जा रहा हूँ, तो मैं उसका मोबाइल लूँगा और चला जाऊँगा। एंड मैं ऊपर नहीं बुलाऊँगा डिलीवरी बॉय को, मैं नीचे जाऊँगा बाहर और नीचे सामने एक पार्क है वहाँ पर वो मोबाइल लूँगा उनसे। और मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और ये बोलूँगा प्रिया को कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो भी ठीक होने में उसको टाइम लेगा, अलाउंड 2-3 घंटे का। रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अभी वो अंदर है काम कर रही है, इसलिए मैं बाहर आके बना रहा हूँ ताकि उसको कोई आवाज़ ना जाए। क्या खा रहे हो? संतरे, ऑरेंजेस। कहाँ है मोबाइल? सही तो चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है सही। सो गाइस, अभी मेरी बात हो चुकी है और उसने मुझे बोला कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 3 बज रहे हैं और वो बोल रहा है कि 5 बजे के आसपास ही आ पाएगा। देखते हैं, तब तक मुझे डालना पड़ेगा कोई ना कोई बात करके कि मैं अभी जाऊँगा। वो बहुत गुस्सा करेगी कि आप चले जाओ, ये डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार इन्होंने ना, ये देख रहे हो साउंड, ये भाई पिछले 1 महीने से चल रहा है, इसने मेरे सर में दर्द किया हुआ है और शायद आप सबके भी, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस बहुत आता है इसका। और क्या कर सकते हैं, चलना पड़ेगा। अच्छा गाइस, हाँ मैं पूछ रहा था कि खुशी होती है, मतलब जब उस चीज़ को आप जिससे प्यार करते हैं और वो खुश होता है तो अपने आप को भी खुशी मिलती है।
तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताओ। आई होप कि उसको पसंद आए। चलो आओ चलते हैं, देखते क्या कर रही है ये मैडम। अभी तक अंदर ही है, देखो क्या हाल गया है। ये वॉशरूम है हमारा, देखो कितना बुरा हाल गया है। एक्चुअली ये है मेरे फ्रेंड्स आए हैं, तो ये सब आधे कपड़े उनके हैं और आधे हमारे हैं। हाँ जी मैडम। अरे अरे देखो, अरे देखा जादू पीछे से आ गया है आपको। और यार मैंने बात किया तुम्हारे से तो वो बोल रहे कि 5 बजे आना है मोबाइल ठीक करने। 5 बजे तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती है ना, ये तो बढ़ती चलती है, खत्म होती है। अच्छे लगते तुम्हें हमारे ऊपर ही है। कैसे आप भी जाते हो हमारे लव स्टोरी में जानना, और जानना चाहते हो कि वीर ज़ारा से इसका क्या मतलब था। हम बनाएंगे, हाँ जब हमारे 100K कम्प्लीट हो जाएंगे तब हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो जल्दी से जाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो सारे घर में जितने भी मोबाइल है, ठीक है। क्या बना रहे हो? पागल हो क्या तुम? पागल हो क्या, मारोगे क्या मुझे? ये देखो मौसम, देखो कितना अच्छा हो रहा है। लाओ मोबाइल दे दो फिर मैं जा रहा हूँ। अभी चाहिए ना? मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मौसम तो अच्छा हो रहा है आज। यार कहीं घूमने चलते हैं आज। बस घूमते रह गए तो तुम। कहाँ घूमियो तो बताना। अच्छा कहाँ रह गए तुम? सोनाली के साथ ही गई थी जब लास्ट टाइम सोनाली आई थी। अभी तो फास्ट भी है मेरा, क्या खाएंगे। तो चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अंदर चले जाओ, ठीक है। सो गाइस अभी वो बंदा आ चुका है और अभी मैं उसमें लेने ही जा रहा हूँ, बाहर आ चुका है। और मैं प्रिया को बोल गया कि मैं ठीक कराने जा रहा हूँ, और ऊपर मूवी देख रही थी वीर ज़ारा, तो अभी हम बस लेने जा रहे हैं। चलो ये रहा बोलना। सो गाइस फाइनली हमारा फ़ोन आ गया, आप अभी पीछे से देख लो 256। सो बेसिकली मुझे ये खोलना पड़ा, देख सकते हो आप, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि आजकल फ्रॉड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो चेक करना ज़रूरी था। और इसीलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी की थी, तो अभी मैंने इसकी पेमेंट की है ऑनलाइन ना करके। प्रिया को बोल लूँगा, प्रिया को तो पहले मैं बोलूँ कि अभी जो मिलेगा वो 2-3 घंटे बाद मिलेगा, तो पहले मुझे इसको छुपा कर जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि जब मैं जाऊँ तो वो वहाँ पर ना हो, इसलिए मैं गेट खोल कर आया था और उसको बोला गया था गेट खोल कर ही रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और इसको फिर छुपाते हैं कहीं पर, ठीक है। सो गाइस प्रिया अभी अंदर सो रही है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ पर छुपा रहा हूँ जहाँ पर नाश्ते का सामान होता है। अभी अराउंड बज रहे हैं 5:30, उसको बोलूँगा कि फास्ट खोलने का टाइम हो रहा है तो तुम खाना बना लो, और फिर वो जब खाना बनाने जाएगी तो जहाँ पर वो सामान देखेंगे फिर हम उसका रिएक्शन होगा वो कैप्चर करेंगे। सो गाइस अभी 6 बज चुके हैं, अभी मैं बस प्रिया के पास जा रहा हूँ और उसको बोलूँगा कि 6 बज गए तो खाना बनाना स्टार्ट कर दो, फिर लेट हो जाएगा और ना भूख भी लग रही मुझे। तो चलो चलते हैं। तुम्हारा मोबाइल है वो 2-3 घंटे में मिलेगा, सिम तो निकाल लिया था ना तुमने उसमें से। खाना बना दो, कहाँ सो गए? क्या बनाना है? क्या बनाओगे? क्या बनाऊँ? मुझे तो भाई आलू और रोटी अच्छी लगती है। मैं तो पनीर बनाऊंगी। पनीर? तो पनीर बना लो। मंगवाओ फिर फोन करो उसको। चलो ठीक है मैं मंगा रहा हूँ। ठीक है। ये देखो मैडम, मैं 2 मिनट के लिए कॉल की और ये मैडम ऊपर चली गई, तो आज आपको ऊपर भी लेकर चलते हैं। बारिश आई अभी, यहाँ से कोई गिरेगा बचेगा ना। तो इतने पास लगते हैं जब जॉब होती है ये सब चीज़ें। कैसे घूम घूम के जाना पड़ता है ना? आरडी मॉल से यहाँ से पहली बार देखा मैंने। और आरडी मॉल रात को इतनी लाइट लगती है ना, किसे हमारा टेरेस
कितने होंगे जिसमें? पूरा गुड़गांव दिखता है यहाँ से भाई। खाना नहीं बनाना क्या? तो बना दो फिर, मैं वो बोल दिया मैंने, नीचे चले जाओ खाना बना लो और थोड़ा सा बाल बना लो। सो गए उठ के ऐसे आ गए, नहीं लग रही है। अच्छे लग रहे हैं, चलो जल्दी जाओ। बाकी आटा वगैरह मल लो अभी से हो गए एंड टाइम पे हो। भाई 6 बज गए, कब बनाऊं? तो रोटी तो बाद में बनती है। किसका है? तुम्हारे लिए है ये? हैवी नहीं इसमें? देख लो, इसमें तुम्हें मिलेगा 7। यहाँ से ही है। इधर लग रहा है चटनी दोबारा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लगा था? मैंने पता है 2-3 दिन से बोल रहा था ये आज ले लूंगी इसकी। देखो सब मेरा न्यू फोन कैसा है? देखो तुम्हारे से मैच कर रहा है अभी। तो ग्रे है, तो ये भी तो ग्रे है। तो नहीं नहीं इसमें मैं अभिषेक आ गया, मैडम का फोन। मैडम का फोन तो कोई नहीं, मैं तो ये भी ले लूंगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर इसको सेल चल रही है, यहाँ पे सेल चल रही है आईफोन। मेरे वाले से शूट हो रहा है, कैमरा भी मैं यूज नहीं कर रहा कुछ टाइम से, जिसका जो माइक है अभी आने वाला है। कर दिया ओपन, चलाओ हम बैठ। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है मोबाइल? सो अभी जो वीडियो बन रही है मैडम के फोन पर बन रही है। देखो मैडम बना रही है पनीर। क्या बना रहे हो? पनीर। ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल हम जब मार्केट गए तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि कल पूजा है, कल नवमी है, तो लड़कियों को जिमाना है, काफ़ी सारा सामान लाना था, तो उसी में थोड़ा बिजी थे। और रात को आए 9:30 बजे, तो फास्ट भी मैंने 9:30 बजे खोला एंड काफ़ी थक गए थे, सो गए, कुछ शूट नहीं कर पाए रास्ते में भी, बीच में भी, क्योंकि एक्साइटमेंट होते ना नए मोबाइल की तो चलाने में भी मतलब ऐसा लग रहा था। तो वही था, अब ये शूट भी मैं उसी फ़ोन से कर रहा हूँ, तो अच्छी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप वीडियो को लाइक करोगे या चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं मोटिवेट भी हो जाऊँगा आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और इस यहाँ ये पार्ट भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू एंड थैंक यू।